क्या दरोगा, क्या एसएसपी, क्या अर्दली, क्या डीएम, क्या संतरी, बुंदेलखंड के युवकों को किसी से डर नहीं लगता। उन्हें तो बस रातों रात हीरो बनना है, वो भी तमंचे के साथ डिस्को करते हुए। एक बार तो इस वीडियो को देखकर अनुराग कश्यप को भी झटका लग जाएगा कि मुफ्त में गैंग्स ऑफ वासेपुर के एक्टरों पर इतना खर्चा क्यों किया। यूपी के हमीरपुर में तो कलाकारों की कमी ही नहीं है। क्या सरदार खान, क्या फैजल खान, क्या परपेंडिकुलर, आपको सब यही मिल जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आधुनिक यूपी में महिलाएं पीछे हैं तो आप बिल्कुल महिलाओं को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। यहाँ की महिलाएं भी कट्टा रखने के मामले में कम शौकीन नहीं है। चलिए, ये तो मैच्योर आर्टिस्ट है, अब चलिए आपको मिलाते हैं एक चाइल्ड आर्टिस्ट से। एक बार इस बाबू को भी देख लीजिए। पैदा हुए महज कुछ साल हुए होंगे, लेकिन तमंचे का शौक ऐसा कि उठा लिए बंदूक और बन गए मुन्ना भैया। इन्होंने सोचा होगा कि सोशल मीडिया पर तो रातों रात हीरो बन जाएंगे। नेटफ्लिक्स, अमेजन वाले जब जामताड़ा वाले चोरकट पर सीरीज बना सकते हैं तो हम पे क्यों नहीं। यूपी वाले किसी से कम है क्या। मिर्जापुर, पूर्वांचल के बाद एक सीरीज बुंदेलखंड पर भी बने। लेकिन हाय रे बुंदेलखंड और बुंदेलखंड की किस्मत। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होते ही यूपी पुलिस ने इस मामले को सर पर उठा लिया और लगे कलाकारों को ढूंढ ढूंढ कर हवालात में बंद करने। भाई, जो यूपी पुलिस मुंह से ठाई ठाई करके बड़े बड़े गैंगस्टरों को पस्त कर देती है, उसके सामने बंदूक लहराने की हिम्मत आखिर हुई तो हुई कैसे। पुलिस ने साफ कर दिया कि बुंदेलखंड का इतिहास चाहे जो रहा हो, लेकिन तमंचे पर डिस्को अब नहीं चलेगा। अब अगर उसके बाद भी किसी को हीरो बनने का शौक है तो मामा घर जाने के लिए तैयार हो जाए। अभी तक इसमें करीब 21-22 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और काफ़ी असलहे बरामद हुए हैं। इस संबंध में पुलिस को निर्देशित किया गया है कि जहां भी ऐसी जानकारी मिले कि फला व्यक्ति असलाह रखता है या असलाह लेकर चलता है, तो उसको उसके बारे में जानकारी कर उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। बहुत से अवांछित तत्व तो असलहों के साथ फोटो फेसबुक या व्हाट्सएप पे डालते हैं, उसके माध्यम से भी हमें सूचना मिल जाती है। बाकी जनता के द्वारा हमें सूचना मिलती है, कभी कभी चेकिंग में पकड़े जाते हैं, कभी कभी किसी अपराध में गिरफ्तारी के बाद असलहे बरामद होते हैं। इस तरह काफ़ी संख्या में असलहे बरामद हुए हैं, इनसे अपराध पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। यहाँ बुंदेलखंड में गन कल्चर, बंदूक संस्कृति है, उससे युवा बड़े प्रभावित हैं असलाह लेके। लड़के लड़कियाँ भी, रात में एक लड़की भी पकड़ी गई थी असलाह लेके। ऐसा क्या है कि असलहों पर इतना प्रेम है लोगों में। अब ऐसा यहाँ की जो सामाजिक परिस्थिति जो भी हो, इतिहास यहाँ का हो, लेकिन ऐसा है कि यहाँ के लोग असलहा और वो भी विशेषकर अवैध असलहा रखना पसंद करते हैं। उसके साथ बकायदे घर उसे फ़ोटो खिंचाते हैं, उसे फेसबुक पर लोड करते हैं, तो ये गलत बात है, ये अपराध है और ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस की इस एक्शन से उभरते सितारों को बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन यूपी पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि वक्त रहते सुधर जाओ, वरना यूपी पुलिस सेवा में सदैव तत्पर है। हमीरपुर से नाहिद अंसारी की रिपोर्ट, यूपी तक।